नमस्कार दोस्तों, साल 2018 का तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण अगले हफ्ते 11 अगस्त को लगने वाला है। इस दिन न केवल सूर्य ग्रहण लगेगा बल्कि इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और साथ ही हरियाली अमावस्या भी है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व रहेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण 3 घंटे और 35 मिनट तक रहेगा, जिसका प्रकृति और सभी राशियों पर गुप्त असर पड़ेगा। 11 अगस्त को आंशिक सूर्य ग्रहण अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:32 पर प्रारंभ होगा, जिसका मध्यकाल दोपहर 3:16 और समाप्ति संध्या में 5 बजे होगी। वहीं भारत में इस आंशिक सूर्य ग्रहण का सूतक काल 10 अगस्त की देर रात 12 घंटे पहले अर्थात 1:32 पर प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, परंतु इस ग्रहण का असर हर एक राशि पर अलग अलग रूप से अवश्य पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ रहेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए यह अशुभ प्रभाव लेकर आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण शुभ रहने वाला है। वो राशियां हैं मेष राशि, मकर राशि, तुला व कुंभ राशि। वहीं कर्क राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण अशुभ प्रभाव लेकर आएगा। परंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्योतिष न केवल आने वाले समय के बारे में बताता है बल्कि उससे बचने के उपाय भी इसमें पहले से बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपको इन कष्टों का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अच्छे फल की प्राप्ति कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष की पहली राशि मेष राशि। इस राशि के स्वामी मंगल हैं। इस राशि वालों को गुड़ का दान करने से लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं वृषभ राशि वालों को दही का दान देने से लाभ होगा। इसी प्रकार मिथुन राशि वालों को गणपति मंदिर में हरे मूंग का दान देने से लाभ होगा। तो कर्क राशि जिसमें ग्रहण है, उनको महादेव मंदिर में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार सिंह राशि वालों को भी दूध से महादेव मंदिर में अभिषेक करना चाहिए। कन्या राशि वालों को माँ पार्वती के नाम से अन्न का दान करना चाहिए। वहीं तुला राशि वालों को पुस्तकों का दान करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों को अन्न का दान करना चाहिए। वहीं धनु राशि वालों को मिठाई का दान करने से लाभ की प्राप्ति होगी। वह मकर राशि वालों को सरसों के तेल का दान करने से लाभ होगा। इसी प्रकार कुंभ राशि वालों को चमेली के तेल का दान करने से लाभ होगा। मीन राशि वालों को ग्रहण के पश्चात छोटी बेटियों को अन्न का दान करना चाहिए या फिर उन्हें खीर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपनी राशि अनुसार इन उपायों को अपनाकर न केवल बुरे प्रभाव से बच पाएंगे बल्कि लाभ की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक व कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।